मेरी ससुर जी और सासू माँ को एडमिट किया था और एडमिट करने के बाद से उनकी तबीयत तो बिगड़ती चली गई, ऑक्सीजन पर थे वो। डॉक्टर्स रोज़ कह रहे थे कि इनका टेस्ट रिपोर्ट आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। 6 दिन बाद जब मैं कस्टमर केयर पे पता करता हूँ तो पता चलता है कि इनकी तो जाँच ही नहीं हुई, बिना जाँच के ही ये ट्रीटमेंट तो कर रहे थे। और रोज़ मुझे कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको लग रहे हैं और एक भी इंजेक्शन उनको नहीं लगा। मरने के कुछ घंटों पहले भी मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई इंजेक्शन लगा है, तो उन्होंने कहा था कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। हर दिन नए नए चीज़ें सामने आती थी। एक दिन मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला कि हर बार टॉयलेट करने के नाम पर 10-10 रुपये लिए जा रहे हैं। जो टॉयलेट करने के लिए करवाने के लिए 10 रुपये नहीं दे रहा, उनकी कोई तो सुनवाई नहीं होती थी। अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। और जब ससुर जी की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ घंटों पहले मेरे पास फ़ोन आता है सासू माँ का कि बेटा पापा तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि उनको बायोपिक तो लगा हुआ है पर मास्क में ऑक्सीजन की नली ही नहीं लगी हुई है। वो सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, इशारों से बता रहे हैं कि वह ऑक्सीजन नली नहीं है। चिल्लाने के बाद कोई आता है और ऑक्सीजन की नली लगाता है, तब तक देर हो चुकी होती है, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस वियोग में कुछ घंटे बाद सासू माँ भी दम तोड़ चुकी होती है। और इनका एक बेटे हैं मेरे साले साहब जो ICU में एडमिट है, अभी उनको इस बात की जानकारी नहीं दी है। और अंतिम संस्कार के लिए चूंकि उनका एक ही बेटा था तो दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया है, जो हृदय विदारक घटना है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो ये मौत का घर बन जाएगा और इसकी शिकायत हर लेवल पर हर अधिकारी को दी गई है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री को भी इन सब बातों की शिकायत की गई है, कलेक्टर से लेकर डीन और शिराली मैडम को भी इसकी शिकायत की गई है। पर यहाँ कोई स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। जल्दी ही नहीं सुधार हुआ तो शायद हम बहुत लेट हो चुके होंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शव निकल चुके होंगे, जिसके बाद अफसोस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा।